सीतामढ़ी में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत पर सियासत शुरू हो गई है। सोमवार को नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा बाजपट्टी में पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे। यहां उन्होंने एक एक परिवार से मिलकर पूरी घटना की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत तेजस्वी यादव पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यादव समाज की रहनुमाई करने वाले तेजस्वी आज क्यों खामोश है। 5 में से 4 लोग यादव समाज के हैं, लेकिन सरकार अब तक खामोश है। दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? सुनिए इन्होंने क्या कुछ कहा। जिस तरह से मुख्यमंत्री के अहंकार शराबबंदी की झूठी उनका नाटक बार बार लोगों को मौत के मुंह में ले जा रहा है। इस अनाथ बच्चे और विधवा इंसाफ मांग रही है। मुख्यमंत्री जी, शराबबंदी है तो फिर शराब आता कहां से है, और शराब आ रहा है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आपके प्रशासन के लोग कर क्या रहे हैं? किसी भी प्रशासक पर आप कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं किए? छपरा में सैकड़ों लोग मरा, सीवान गोपालगंज से लेकर के पूरे बिहार में मरा। किसी भी भ्रष्ट पदाधिकारी को ऊपर आप कार्रवाई क्यों नहीं किया? एक अकूत संपत्ति का मालिक ये शराबबंदी के नाम पर आपके थाना प्रभारी और एसपी बन रहा है, उसका संपत्ति आपने जब्त करने का क्यों कार्रवाई नहीं किया? ये साफ और स्पष्ट है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष थे, लंबी लंबी बात करते थे, क्षेत्र में तो कहीं दौरा नहीं करते थे, पटना से लेके दिल्ली में सिर्फ ट्वीट करते थे। मैं उनसे भी जानना चाहता हूं कि आप जात की राजनीति करते हैं, यादव समुदाय के लोगों का रहनुमा बनने का प्रयास करते हैं। आज 6 लोग शराब से, 5 लोगों की मृत्यु हुआ जिसमें 4 यादव समुदाय का है। जरा आकर के देखिए, हिम्मत है तो ये झोपड़ी में रहने वाला यादव समुदाय का लोग, इसकी विधवा और अनाथ बच्चे, कोई इसका आंसू पोंछने वाला नहीं। सत्ता में इतने मदांत हो चुके हैं कि आज हर बिहारी, चाहे दलित हो, अति पिछड़ा हो, पिछड़ा हो, अगरा हो, जो गरीब है उसकी लाशों के ढेर पर आप राजनीति कर रहे हैं। यहां पर सामूहिक नरसंहार प्रशासन के और शासन के मिलीभगत से हो रही है। जहरीली शराब से मौत का नरसंहार का जिम्मेवार यह प्रशासन और शासन में बैठा लोग है। इसकी जिम्मेवारी तय करनी चाहिए।